पंचायत राज के संवैधानिक और प्रमुख मुद्दे। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए हैं। PRI को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए संवैधानिक बनाया गया था और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य भी सौंपा गया था। अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में PRI ने अपने अस्तित्व के 26 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संविधान की मुख्य विशेषताएं, 73वें और 74वें संशोधन। इन संशोधनों में संविधान में दो नए भाग जोड़े गए हैं, जिनमें भाग 9 शीर्षक पंचायत 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और भाग 9A शीर्षक नगर पालिकाओं 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाइयां ग्राम सभाएं और वार्ड समितियां, जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्यों को शामिल किया गया है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़कर गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक, तालुका, मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले सभी स्तरों पर सीटें अनुच्छेद 243C(2) के तहत दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 भाग दर्ज किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का है और नए निकायों के गठन के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना है। ये नियम भंग होने की स्थिति में चुनाव अनिवार्य रूप से 6 महीने के भीतर करवाए जाना आवश्यक है। निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया जाना जरूरी है। 11वीं अनुसूची में वर्णित किए गए विषयों सहित पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर कानून द्वारा हस्तांतरित विषयों के संबंध में पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। 74वां संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व का हिस्सा और इससे होने वाले राजस्व का संग्रह और प्रतिधारण, केंद्र सरकार की कार्यक्रम और अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान शामिल हैं। सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग की स्थापना करें, जिसके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों को पंचायती राज निकायों के दायरे में रखा गया है। पंचायती राज एक दृष्टि में 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इस दिन संविधान यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना, कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार, राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटियों, टोल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण।